संबल योजना के हितग्राही प्रिय बहनों और भाइयों, हम जानते हैं इस समय हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश और पूरी दुनिया भी एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रही है। कोरोना महामारी ने हमारे देश में, पूरी दुनिया में और हमारे मध्य प्रदेश में भी त्राही सी मचा दी है। इस बार ये बीमारी इतनी तेजी से, महामारी इतनी तेजी से फैली जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन संक्रमित हुए कि हमारे इलाज की व्यवस्थाएं छोटी पड़ने लगी। इस महामारी से हम लड़ रहे हैं, आपके सहयोग से लड़ रहे हैं। ये महामारी ऐसी नहीं है कि जिससे सरकार अकेली लड़ ले, इससे जनता और समाज के सहयोग से ही लड़ा जा सकता है और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये ऐसी बीमारी है, ऐसा युद्ध है कि जिसको घर से बाहर निकल के नहीं जीता जा सकता। इससे तो हम घर में रहकर ही जीत सकते हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ देना, मतलब आपस में हम मिलें जुलें ना। अगर मिले जुले तो एक संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी लगातार दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठवे में लगातार फैलती चली जाती है। और हमसे प्रारंभ में असावधानी हुई है, इसलिए इतना भयानक संक्रमण फैला हुआ है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमने तय किया कि जनता ही कोरोना कर्फ्यू लगाएगी। ये कोरोना कर्फ्यू जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। ये हमारे लिए है, हमारी जिंदगी बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए भी है और अपनों को बचाने के लिए भी है। और इसलिए मेरी अपील है, इस बीमारी को, महामारी को अगर रोकना है, काबू में लाना है, खत्म करना है तो कोरोना कर्फ्यू का अक्षरशः पालन करें, पूरी तरह पालन करें। यथासंभव हम घरों से ना निकले। कई गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, गांव गांव में लगाया, लेकिन कई गांव ने तय कर लिया कि हम गांव के बाहर नहीं जाएंगे, बाहर वाले को अंदर नहीं आने देंगे। अगर किसी को किसी सामान की जरूरत है तो गांव के चार लोग तय कर दिए, वो जाएंगे और घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। शहरों में अनेकों मोहल्ले ने, कॉलोनी ने, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने तय किया कि हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। एक तरफ संक्रमण की चेन तोड़ना, दूसरी तरफ संक्रमित अगर हो जाए तो इलाज की बेहतर व्यवस्था करना। इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट्स हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ी, व्यवस्थाएं बढ़ाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। अस्पताल में बिस्तर बढ़ाना हो, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, इंजेक्शन दवाई का इंतजाम हो, हम दिनों रात लगे हुए हैं। लेकिन आपसे अपील है, घर से निकलना नहीं है।
कोरोना के सारे नियमों को गाइडलाइन का पालन करना है, बिना मास्क के नहीं रहना है, दूरी बना के रखना है। अगर घर में कहीं सर्दी जुकाम बुखार है तो बिल्कुल छुपाना मत। ये कोरोना सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारी अगर समय पे इलाज करा लिया तो ये कुछ नहीं बिगाड़ेगी हमारा। इसको हम नाक के और मुंह के जरिए जाती है दवाई लेके वहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने छुपा लिया और ये फेफड़ों में चला गया वायरस तो फिर ये खतरनाक हो जाता है, कई गुना ज्यादा वहां बढ़ता है, फेफड़े खराब कर देता है, खोखले कर देता है, बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद हमारे पास करने को कई बार कुछ बचता नहीं, जान तक चली जाती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण आपके घर में, मोहल्ले में, गांव में किसी को है तो कृपया करके कोई ना छुपाए तत्काल बताए, ताकि निःशुल्क दवाई का किट देके हम बीमारी को वहीं खत्म कर डालें। टेस्ट करवा लें, पॉजिटिव आए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में एक कमरे में अलग होम आइसोलेट हो जाए, मतलब घर में अलग थलग, बाकी लोग मिले तो सबको हो जाएगा। और घर में जगह ना हो तो कोविड केयर सेंटर में चले जाए, ताकि हम परिजनों को भी बचा सकें। कोविड केयर सेंटर फिर अस्पताल का इंतजाम है, लेकिन छुपाएं कोई ना, कृपया करके नहीं छुपाएं। जिनको दिक्कत हुई है उन्हें हल्के से लिया, क्या है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार है, ठीक हो जाएगा, चार दिन छह दिन आठ दिन निकाल लिए, तब तक उसने जड़े जमा ली फेफड़ों में। इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बचकर ही रहना है। गांव गांव में अभियान चल रहा है अभी, किल कोरोना अभियान कल से और पूरी ताकत से चलेगा, घर घर घूमेगी हमारी टीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ANM, उनका साथ देना है, घर घर देखना है कोई सर्दी जुकाम बुखार वाला तो नहीं है, ताकि समय पे हम संक्रमण को रोक पाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, घर पर भी जो होम आइसोलेशन में रहते हैं उनसे दो बार फोन पर बात करने की कोशिश होती है, ताकि दवाई फ्री में देते हैं निःशुल्क। क्या करें ना करें, क्या करें क्या ना करें, इसकी जानकारी भी देते हैं, इससे बचा जा सकता है। पहली चीज हो ही ना, हो जाए तो छुपाए ना, ताकि तत्काल इसका इलाज कर सके। दिनों रात हम इस काम में लगे, कैसे जनता सुरक्षित रहे, जान बचे, संक्रमण को कैसे समाप्त करें। अभी संक्रमण को समाप्त करना अपने गांव में, बाहर निकलने देंगे, चार घर में तो चार घर कंटेन कर देंगे, उनको सामान पहुंचाएंगे, और उनके घर में जगह नहीं होगी तो अभी कल से मैं व्यवस्था कर रहा हूं, पंचायत भवन में रहे, जिसको संक्रमण है स्कूल में रहे, लेकिन पूरे गांव में ना फैल पाए। हमारा गांव कोरोना मुक्त गांव, हमारा मोहल्ला कोरोना मुक्त मोहल्ला, हमारी कॉलोनी कोरोना मुक्त कॉलोनी अभियान चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कहते हुए संतोष है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण अब काबू में आ रहा है, संक्रमितों की संख्या स्थिर या धीरे धीरे घटने लगी है, स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए हम इसको काबू में पाएंगे। लेकिन आपका सहयोग चाहिए, हम जानते हैं बहनों और भाइयों, ऐसे समय में जब कोरोना कर्फ्यू लगाओ रोजी रोटी की दिक्कत होती है, इसलिए हमने तय किया है 3 महीने का राशन, अभी उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि राशन की दुकानों पर एकदम भीड़ ना लग जाए। अप्रैल माह का तो दिया जा चुका है, आधे लोगों से जब मैंने ये फैसला किया तब पैसे लिए जा चुके थे, जिनसे पैसे लिए जा चुके हैं उनको अगले महीने में फ्री देंगे, और अगले 3 महीने का फ्री देंगे, 2 महीने तो दुगना देंगे। एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज, 5 सदस्य है तो 50 किलो अनाज महीने का, तो 2 महीने का 10-10 किलो एक व्यक्ति को, और 1 महीने का फिर 5 किलो, ये पूरा निःशुल्क देंगे।
ताकि गरीब भाई बहन को रोजी रोटी की समस्या ना आए, भरपेट भोजन कर पाए, गरीब की थाली खाली ना हो पाए। फिर हमने छोटे छोटे दुकानदार है, हाथ ठेले में, छोटी मोटी गुमटी में सड़क पे व्यापार करते थे, उनके खाते में भी 1,000 रुपए डालें ताकि इस समय तात्कालिक रूप से उनका काम चल जाए। आज हमने तय किया कि संबल योजना के जो हमारे हितग्राही है, आज लगभग 17,000 हितग्राहियों के खाते में, 16,844 के खाते में 379 करोड़ रुपया अभी मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से डाले हैं। ये पैसे आपके खाते में चले गए हैं। इस वक्त आपको जरूरत है, ये पैसा आपके काम आएगा। संबल योजना गरीबों की ताकत है। अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए की राशि वो डाली गई है, सामान्य मृत्यु पर 2,00,000 रुपए की राशि, अनुग्रह सहायता राशि जिसको कहते हैं, दुर्घटना में मृत्यु हुई तो 4,00,000 रुपया देते हैं वो राशि, अस्थाई अपंगता पर राशि, स्थाई अपंगता पर राशि खाते में। ये अलग अलग संबल के हिस्से हैं, अंग है। आज वही राशि आपके खाते में डाली है। मेरे बहनों और भाइयों, कई बार लगता है कि ऐसी सहायता की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन पड़ती है। संसार चक्र है, दुनिया है, मृत्यु होती है तो कई बार परिवार बेसहारा हो जाता है। एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, कहां जाए परिवार, क्या करे परिवार। लेकिन 4,00,000 रुपए की राशि मिलती है तो कम से कम परिवार को एक सहारा मिल जाता है। संबल योजना के और भी अंग हैं, जैसे एक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अभी तो स्कूल बंद है लेकिन जब भी ये स्कूल खुलेंगे गरीबों के बेटा बेटियों को पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, और उनका एडमिशन बच्चों का अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, तो उसकी फीस भी मामूली भरवाएगा, आप चिंता मत करना। 2 बच्चों तक बेटा बेटी के जन्म पर 4,000 रुपया जन्म के पहले और 12,000 रुपया जन्म के बाद, कुल 16,000 रुपया बहना को दिया जाता है ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम कर सके, घर पे रह सके और बेटा बेटी को पाल सके। ऐसे अनेकों अंग है संबल योजना के, उनमें से कुछ हिस्सों की राशि आज आपके खाते में डाली गई है। इस राशि का बेहतर उपयोग कीजिए। भगवान चाहेगा जल्दी ये कोरोना का संकट समाप्त होगा, हम मिलके करेंगे, क्योंकि अब गांव गांव में हम छोटी छोटी समितियां बना रहे हैं जो खुद तय करेगी कोरोना कर्फ्यू और कोरोना से बचने के सारे उपाय के बारे में, हमारे प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर काम करेगी। तो हम इसको समाप्त करें बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। कोरोना हारेगा, इंसानियत जीतेगी, बस लापरवाही नहीं रखना है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बहुत बेईमान वायरस है, कब घुस जाएगा इसका ठिकाना नहीं, आप में लापरवाही, इससे बचते रहना है, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबके सहयोग से हम कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसलिए गांव में घर घर सर्वे की व्यवस्था और शहरों में कोरोना सहायता केंद्र हम खोलेंगे, ताकि सर्दी जुकाम बुखार हो तो तुरंत वहां जाइए, मेडिकल किट दवाइयां लीजिए और खाना शुरू कीजिए, जरूरत पड़े तो टेस्ट करवाइए। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसकी कोशिश हमारी लगातार बनी रहेगी। संबल योजना का लाभ भी नियमित अंतराल के बाद आपको दिया जाता रहेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, हर संकट की घड़ी में आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है।
आपका मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ा है, मुझे आपका साथ चाहिए कोरोना से लड़ाई में, आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपको साथ देता रहूंगा और मिलकर हम कोरोना को पराजित करेंगे ताकि फिर से पुराने दिन लौटे, हम आराम से अपना काम धंधा कर सकें, बिजनेस व्यापार काम धंधा आना जाना शादी विवाह अभी सब बंद है, शादियां भी नहीं करना है अभी, इसके बाद ही पहले कोरोना मारेंगे फिर शादी करेंगे, फिर से सामान्य जिंदगी बहाल होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।